Alibi. Action pa jana. Rolling. Action. अरे फोकस से पीछे होना चाहिए. एक्शन. मुझे देखिए. टर्न टुवर्ड्स कैमरा. टर्न. नंदनी तुम क्यों हमने आप दीदी तो बस ऐसे थोड़ी देर अभी सिर्फ प्यार भरी रोमांटिक बातें करते रहे. करेक्ट. ओके. वेरी गुड. बला थी ना वो टल गई है. ओके हम ना गरम गरम कॉफी पिलाते. तुम लोगों ने पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं खाया. घर चलो तुम्हारा बीपी भी चेक करते. शॉक और वीकनेस के कॉम्बिनेशन. चलो यहाँ से चलते हैं. बल्कि बिछाए तुम दोनों का इंतजार कर. हाँ का भेद नहीं करते. जाओ. हाँ. मैं तो तुम्हें सरप्राइज दूँ. तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया. जाना दोनों ने एक दूसरे. तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया. जाना और आपको देखा कुणाल ने. मामा और दीदा भी ना पलके बिठा पलके बिछाकर तुम दोनों का इंतजार कर लेंगे. हम भी वेट नहीं कर सकते. हम अभी आए.
ठीक है अब? जो बला थी ना वो सब टल गई है, प्लीज रिलैक्स। तुम्हें तो ना गरम गरम कॉफी पिलाते हैं, तुम दोनों ने पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं। कुनाल बोलते शॉक और वीकनेस का कॉम्बिनेशन है, चलो यहाँ से चलते हैं। मम्मा और दीदा तुम दोनों के इंतजार के लिए ना पलके बिछा कर बैठे। एक्शन। आप इधर ही देखना। हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। राहत शिविर में आपको कुछ अचानक से आमना सामना हुआ है और वो खुश नहीं हुए जितनी आप खुश हुए देखकर, क्या हुआ कुनाल? हाँ, मैंने एक्चुअली कुनाल को सरप्राइज दिया और मौली ने एक्चुअली रियलाइज नहीं किया कि कुनाल खुश हुआ कि नहीं हुआ, बट मौली को तो यही लगा बिकॉज उसने अपनी तरफ से बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। वो बहुत मुश्किलों से दैट साइड ऑफ द कैंप में गई है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था और इतनी चिंता हो रही थी कि शी वॉन्ट टू गो एंड चेक इज एवरीथिंग ओके, बट वहाँ पर कुछ और ही था, कुनाल के दिमाग में भी कुछ और चल रहा है, बट मौली इज अनअवेयर ऑफ इट। दो चीज़ें हुई, एक तो आपको कुनाल के साथ नंदिनी दिखी, ये दोनों लोग बहुत असहज थे, सेकंड उनके हाथ से ब्रेसलेट भी गायब था। कुनाल और नंदिनी साथ में हैं ये मुझे पता है, एज मौली आई फेल्ट क्वाइट सिक्योर अबाउट इट कि वो अच्छी बात है कि दोनों साथ में हैं और लैंडस्लाइड हुआ, नहीं तो अकेले अकेले दोनों होते तो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस होता। और कुनाल के हाथ में मैंने अपने नाम का ब्रेसलेट डाला था, वो नहीं है, सो फॉर अ सेकेंड आई फील किया अरे वो कहाँ चला गया, बट देन ही स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग मी, सो इट्स ओके बिकॉज राइट नाउ मौली डजंट नो एनीथिंग। एक सेकंड के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट दिखा आपने, नो आप गले लगा लिया, हग कर लिया, नंदिनी को जाने के लिए बात करें, क्या चल रहा था वो थोड़ा जानना चाहेंगे? बस बिकॉज ऐसा लगा था मौली को, ऐसा लगा था कि अब शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि कुनाल हमेशा के लिए अलग हो गया है, तो बहुत डर गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम मौली फेल्ट सच अ फीलिंग कि कुनाल अलग भी हो सकता है हमेशा के लिए, सो लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन सोचा उसने। और जब फाइनली कुनाल को मिली तो आई बहुत ही ज़्यादा शी वॉज रियली हैप्पी, वेरी इमोशनल। नंदिनी को मिली उसने बोला चलो, एंड दे हैड अ वेरी वेरी नाइस मोमेंट। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मौली को कुछ समझ में नहीं आया दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन नंदिनी इज़ माइंड और कुनाल्स माइंड। लास्टली ना चाहेंगे, एक सेकंड के लिए पता चला मतलब कि ऐसा लगा कि कुनाल आपसे दूर हो गए, जब आपको ये पता चलेगा कि कुनाल सच में आपसे दूर हो गए तब क्या सिचुएशन होगा, वो भी नंदिनी के साथ? तब जैसा होगा तब वैसा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो
Molly's mind is really clear. She knows that she really loves Kunal and Kunal loves her. Pura faith hai usko is baat mein. Aur actually aise log hote hain. I actually am a person, I completely understand Molly because I feel aise hote hain log jo hum koi kisi cheez pe trust karte hain to they don't doubt it. Chahe wo relationship hoti hai ya kisi ki koi kahi hui baat hoti hai. So Molly is somebody like that. So I like her for that. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you.